কি করে হলো এটা? এত কিছু ঘটনা ঘটে গেল। তো ফ্রেন্ডস, আবি হাম উলুবেরিয়া ক্রস কর চুকে হে, আবি হামে হাই রোড পে। তো আগে যা রা হ্যায় খোকন ভাই আর পিছে হ্যায় আকাশ ভাই। তো রাস্তে মে বহুত হি জ্যাদা ট্রাফিক হে, ইসিলিয়ে মে জ্যাদা ভিডিও নেই বানা রা হু। এক বার হি হামারা জো প্লেস হে জাহাঁ পর ভিডিও হোনে ওয়ালা হে, ওয়াহাঁ পর জাকি মে ভিডিও বানানে কা কোশিশ করুঙ্গা। তো রাস্তা খালি মিলে তো ডেফিনেটলি মে ভিডিও বানাউঙ্গা। बाद में आरसी को इस हाई स्पीड में भगवाने वाला हूँ, तो देखते हैं जगह मिलता है या नहीं। तो भाई यार बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी को मैं भगा लिया, तो 123 तक चला गया गाड़ी। तो वहाँ पर वीडियो हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद में आरसी निकाला, तो आरसी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है अभी तक भी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो आगे भी खाली रोड है, तो एक बार गाड़ी को खींच के देखते हैं। चलो गियर डाउन। फिफ्थ गियर में 151 गाड़ी को पहुंचा दिया यार, क्या खतरनाक वाला गाड़ी खींच रहा है भाई साहब, क्या खतरनाक वाला, क्या खतरनाक, वाह वाह। तो थोड़ा रुकते हैं, वो लोग आएंगे यहाँ पर, दिखाई दे गया हमें। तो एक चीज़ हमें दिखा, देखो एक बार भाई साहब इस ट्रक का कैसे एक्सीडेंट हुआ है। सामने का जो व्हील है पूरा निकल चुका है, देखो एक बार, देख सकते हो। क्या हालत है देखो ट्रक का यार, क्या बढ़िया तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। तो भैया थोड़ा वीडियो बना सकते हैं, हम वीडियो थोड़ा बना सकते हैं? तो कैसे हालत में है देखो ट्रक, एक बार पूरा निचोड़ गया है यार, वाव। क्या हालत है यार, बुरा हालत है। कारो किछु होय नि तो? की करे होलो एटा? एतो किछु घटना घटे गेलो। तक तुम सावधान आछो, एटाई अनेक। ठीक आछे, कारो किछु होय नि, बस ठीक आछे, ठीक आछे, सावधान थाको। तो भैया लोग का थोड़ा नींद आ गया था, इसीलिए भैया लोग ने कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी को इधर उधर मोड़ने की कोशिश की और गाड़ी पूरा डिसबैलेंस हो गया। तो फिलहाल तो उधर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्लेस को आगे ढूंढते हैं, कहाँ वीडियो बनाना है, कहाँ क्या करना है, वही अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया। तो चलो देखते हैं। तो फाइनली हम लोगों का जो फ़ोटोशूट कंप्लीट हो चुका है, फ़ोटोज़ और वीडियो हम लोगों ने बहुत सारा बनाया। तो निरुपम भाई ने हम लोगों का बहुत सारा फ़ोटोज़ खींच दिया। तो वो सब फ़ोटो जो इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक आ रहा है स्क्रीन पे, वो स्क्रीन पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छे लगे और जो रील्स हमने बनाया वो अच्छे लगे तो फॉलो कर देना। और हम लोग अभी टाइम हो रहा है, और मेरा तो टाइम गलत है यार, क्योंकि दो दिन पहले ही मेरा ये गाड़ी का बैटरी एक बार चार्ज में गया था, तो इसीलिए टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो हमें लग रहा है अप्रॉक्स 2 बज चुका है, तो इसीलिए हम लोग जल्द से जल्द घर पहुंचने का ट्राई करेंगे। तो चलो पहले मेन रोड पर चढ़ते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ़िलहाल हम चले आए मेन रोड पर,
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम जल्द से जल्द हमें घर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को अभी लंच नहीं हुआ है अभी किसी को भी, तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। तो लग रहा है यार, पर एक प्रॉब्लम है, मेरा जो फ्रंट ब्रेक पैड है वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए ब्रेक थोड़ा बहुत कम लग रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड नहीं खींच रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे भाई साहब, एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, कितना ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा मुझे और जो कैमरामैन है उसको, दोनों को भी। तो एक छोटा सा वीडियो के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है यार। तो दोपहर हो गया इसीलिए रोड हमें ज़्यादा खाली मिल रहा है, वरना आज तो शनिवार है तो रोड ज़्यादा खाली नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो ये जा रहा है खगन भाई, सूर्या भाई, के वीसी वर्सेस आरसी 90 हो रहा है छोटा छोटा करके। जो खलसेनी कालीतला का जो ब्रिज है, फ्लाईओवर है, वो बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, इतना चौड़ा कर रखा है, तो दो या तीन लेन है, तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, तो वो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सकते हो दोनों तरफ काम चल रहा है, यहाँ पर लाइट का काम चल रहा है, यहाँ पर पेंटिंग का, अभी भी थोड़ा थोड़ा जगह पे बैरिकेड लगा के काम चल रहा है। तो जब ये ब्रिज पूरा तैयार हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इतना दिनों से हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, एट लास्ट हम लोगों का तकलीफ़ ख़त्म हुआ, क्योंकि एनएच वालों ने ये जो ब्रिज एट लास्ट कम्प्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बाहर इतना ज़्यादा धूप था तो हम लोग जल्द से जल्द घर चले आए, क्योंकि नीचे से आरसी का हीट, ऊपर से सांड का हीट, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हो रहा था। तो घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि फ्रेश हुआ और खाना खा लिया, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।